हेलो क्लास ट्वेल्थ टेन स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने बात की है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि नर्वस सिस्टम को मेनली कितने टाइप्स का होता है। तो आपने टू टाइप्स का देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऐसे उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो कि किसके अंडर आया था, हमने जब पढ़ा था तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आया था ब्रेन। तो वह आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जिसको हम इनसेफेलोन भी बोलते हैं। किसको? ह्यूमन ब्रेन को। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि इनके फंक्शंस क्या क्या है और ब्रेन को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनके फर्दर पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों, अगर हम ब्रेन के क्लासिफिकेशन की बात करें कि ब्रेन के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रेन क्या है, मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है, आप उसको मेनली कौन कंट्रोल करता है, अपना ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? अपना ब्रेन। आप डांसिंग कर रहे हो, आप कोई बुक रीड कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप खेल रहे हो, तो सारा कंट्रोलिंग सिस्टम, सारा कंट्रोलिंग सेंटर अपनी बॉडी का मेनली कौन रोल प्ले करता है उसमें? अपना ब्रेन। कौन रोल प्ले करता है? ब्रेन। अब हम बात करते हैं ब्रेन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ब्रेन को मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में? फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, मिडल इज द मिड ब्रेन एंड फाइनल इज द हिंड ब्रेन। तो फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, सेकंड इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन। थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्रेन को। अब हम बात करते हैं इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में कि फोर ब्रेन को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके कौन कौन से पार्ट्स है, मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है, हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स है। तो सबसे पहले बात आती है फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ओल्फैक्टरी लोब्स। क्या है? ओल्फैक्टरी लोब्स। सेकंड इज द डायनसिफिलोन। क्या है? डायनसिफिलोन। थर्ड इज द सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम, जिसमें टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में आप एक एक के रोल भी पढ़ोगे आगे फर्दर, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ नॉर्मल क्लासिफिकेशन देख रहे हो कि किसके अंडर किसको क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की कि मिड ब्रेन के थ्री पार्ट्स कौन कौन से, मतलब टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है सेरिब्रल पेडेंकल्स। सेकंड इज द कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ठीक है, तो फोर ब्रेन में आपने थ्री पार्ट्स पढ़े, ओल्फैक्टरी लोब्स, डायनसिफिलोन, सेरिब्रम। मिड ब्रेन के आपने टू पार्ट्स पढ़े, सेरिब्रल पेडेंकल्स, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ऐसे ही अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की कि हिंड ब्रेन को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके थ्री पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है पोन्स वेरोलाई। क्या होता है? पोन्स वेरोलाई। सेकंड इज द सेरिबिलम। देखो, कंफ्यूज मत हो जाना, फोर ब्रेन में है सेरिब्रम एंड द हिंड ब्रेन में है सेरिबिलम। एंड थर्ड वन इज द मेडुला ओब्लोंगाटा। क्या है? मेडुला ओब्लोंगाटा। अब हम बात करेंगे फर्दर एक एक पार्ट्स के बारे में, पहले फोर ब्रेन के बारे में, फिर उसके अंडर जो थ्री पार्ट्स हैं उनके बारे में, फिर मिड ब्रेन के बारे में, फिर उसके अंडर जो टू पार्ट्स हमने पढ़े हैं सेरिब्रल पेडेंकल्स और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना उसके बारे में, फिर हिंड ब्रेन के बारे में और उसके अंडर जो थ्री पार्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थोड़ा ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि ब्रेन क्या है मेनली। इट इज द वाइडेस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? वाइडेस्ट, सबसे ज्यादा वाइड,
एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल सिस्टम. अपर मोस्ट ऊपर की साइड क्या है, सेंट्रल सिस्टम का मतलब अपर मोस्ट पार्ट है सेंट्रल सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. ठीक है, तो इट इज द वाइडेस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सीएनएस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, अपर मोस्ट पार्ट है. अब हम बात करें ब्रेन के वेट की, तो ब्रेन का वेट मेनली कितना पाया जाता है, 1.2 to 1.4 किलोग्राम, 1.2 to 1.4 kg या फिर किलोग्राम. एंड कंस्टिट्यूट्स 98% ऑफ द टोटल नर्वस सिस्टम. और 98% पार्ट बनाता है किसका, टोटल नर्वस सिस्टम का, कौन, ब्रेन. क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ब्रेन के बारे में. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इनसिफेलोजी. जिस भी वर्ड के पीछे लोजी वर्ड लग जाए उसका मीनिंग है उसकी स्टडी हो रही है, उस पार्ट की क्या हो रही है, स्टडी हो रही है. तो इनसिफेलोलॉजी, इनसिफेलोन का आपने मीनिंग देखा था क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन को ही हम इनसिफेलोन भी बोल रहे थे. तो इनसिफेलोजी क्या हो गई, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वर्किंग कैसी कैसे वर्क करता है, एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है, उनकी स्टडी को हम क्या टर्म देंगे, इनसिफेलोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो ब्रेन को हमने थ्री पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट वन इज द फोर ब्रेन, सेकंड वन इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन. आ गया समझ में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, थ्री पार्ट्स में हमने डिफ्रेंशिएट किया है किसको, ब्रेन को. सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में, जिसको हम प्रोजेंसेफेलोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलोन भी बोलते हैं किसको, फोर ब्रेन को, प्रोजेंसेफेलोन भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट फोर ब्रेन के बारे में. तो इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप थिंकिंग करते हो, वो मेनली किसके द्वारा होती है, अपने फोर ब्रेन के कारण. तो हमने बोल दिया इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सोचने वाला पार्ट है ब्रेन का. ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड, जो फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में. तो फर्स्ट पार्ट क्या है उसका, सेरिब्रम. क्या है उसका फर्स्ट पार्ट, किसका, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रम. तो अगर हम बात करें ब्रेन की, और ब्रेन के अंडर जो भी कैटेगरी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उनमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का, दैट इज द सेरिब्रम. क्या होता है, सेरिब्रम. तो सेरिब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स. ये टू हाफ्स में क्या रहता है, टू हाफ्स में डिवाइड रहता है, नोन एज द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट पेज में कि सेरिब्रम में मेनली कितने सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं. तो यहाँ पे उन्हीं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात की है. ठीक है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स, टू हाफ्स में डिवाइड होता है, नोन एज द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. जिसको एक तरफ को हम क्या बोलेंगे, राइट हेमिस्फीयर, और एक तरफ को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. ए मास ऑफ फाइबर्स कॉल्ड द कॉर्पस कॉलोसम लिंक्स द हेमिस्फीयर. अब वो टू हाफ्स थे किसके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर. अब उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, उन दोनों हेमिस्फीयर को, उन दोनों को लिंक करने का काम कौन करता है. तो ए मास ऑफ फाइबर्स, एक फाइबर्स का मास स्ट्रक्चर होती है, एक क्लस्टर में एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम टर्म देते हैं कॉर्पस कॉलोसम. क्या टर्म देते हैं, कॉर्पस कॉलोसम. तो कॉर्पस कॉलोसम का वर्क मेनली क्या होता है कि ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को क्या करता है, दोनों को लिंक करता है. क्या करता है, दोनों को लिंक करता है, दोनों को कनेक्ट कराने का काम करता है, कौन, कॉर्पस कॉलोसम. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. अपोजिट, जो अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है, वो अपनी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है. क्योंकि ब्रेन अपनी बॉडी के फंक्शंस को, अपनी बॉडी को मेनली कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अपनी बॉडी का मेन कंट्रोलिंग सेंटर कौन है, ब्रेन. तो हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो हमने बात की कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो किसको कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी को,
और जो राइट हेमिस्फीयर है वो किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, अपोजिट है। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा, अगर राइट हेमिस्फीयर है तो वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेरिब्रम ऑक्यूपाइज द फ्रंट, लेटरल एंड सुपीरियर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, थोड़ा ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रंट आपका जो आगे की साइड होता है जिसे आप फोरहेड बोलते हो, फ्रंट पार्ट। लेटरल साइड का पार्ट आपके ईयर्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है मेनली वो पार्ट। एंड दी सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, सुपीरियर आपके ऊपर एकदम ऊपर जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हुआ, सुपीरियर पार्ट हुआ ब्रेन का। तो सेरिब्रम में मेनली कौन कौन से पार्ट आते हैं, फ्रंट पार्ट, फ्रंटल पार्ट, लेटरल पार्ट एंड दी सुपीरियर पार्ट ऑफ दी ब्रेन। ये पार्ट किसमें आते हैं, सेरिब्रम में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ईच हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड दी लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ईच हेमिस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर। टू लेयर्स क्या होती है मेनली प्रेजेंट होती है प्रत्येक हेमिस्फीयर में। अगर हम देखें तो जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, क्या होती है, थिन, पतली होती है और ग्रे मैटर की बनी हुई होती है, लेयर ऑफ ग्रे मैटर कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमने उसको क्या टर्म दिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आउटर क्या बोलते हैं, आउटर थिन लेयर होती है ग्रे मैटर की, आउटर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, ग्रे मैटर की, कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इनक्लोजेस द थिक सेंट्रल कोर ऑफ व्हाइट मैटर। अब जो ये जो पार्ट है, आउटर साइड जो पार्ट है थिन लेयर का जो बना हुआ है ग्रे मैटर का, जिसको आपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला है, उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है और वो मेनली व्हाइट मैटर की होती है। किसकी होती है, व्हाइट मैटर की होती है। उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल मेडुला। क्या बोलेंगे उसको हम, सेरिब्रल मेडुला। अब देखो मैं आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म से अगर समझाऊं तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, किसमें काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में काटा, सॉरी किस सेक्शन में काटा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में काटा। अब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में काटने के बाद अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा दिखेगा ब्रेन का स्ट्रक्चर, इस टाइप का। आप अगर आप अपनी फिंगर को, अपनी मान लो ये फिंगर है, अगर मैं इसको यहां से कट करती हूं तो कौन सा सेक्शन होगा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन अगर मैं इसको यहां से यहां ऐसे कट करती हूं तो ये कौन सा सेक्शन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो आपने उसको कहां कट किया है, उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पे, ब्रेन को उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पे आपने कट किया। और फिर जब आप ऐसे कट करके अगर मेरे फिंगर को ऐसे देखोगे अंदर से, तो आपको अलग अलग टाइप की लेयर्स, अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। ऐसे ही हम किसमें बात कर रहे हैं, ब्रेन में। तो ब्रेन को आपने लॉन्गिट्यूडिनली कट किया, अब आप उसका क्या देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, व्हाइट मैटर एंड दी ग्रे मैटर। तो आपने देखो इसको क्या किया, कट किया लॉन्गिट्यूडिनली। आप अगर अंदर का स्ट्रक्चर देखो तो देखो आउटर साइड जो प्रेजेंट है लेयर, थिन लेयर, वो किसकी है, ग्रे मैटर की। किसकी है, ग्रे मैटर की बनी हुई है, ठीक है। और आपने इसको क्या टर्म दी है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या टर्म दी है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आप उसके अंदर की साइड अगर बात करो, इनर लेयर की अगर बात करो, तो उसके अंदर एक और लेयर है, इट इनक्लोजेस अ थिक लेयर। तो एक थिक लेयर है इसके अंदर जो किसकी बनी हुई है, व्हाइट मैटर की। किसकी बनी हुई है, व्हाइट मैटर की, जिसको आपने क्या टर्म दिया है, जिसको आपने क्या नेमिंग दी है, मेनली सेरिब्रल मेडुला। क्या टर्म दी है, सेरिब्रल मेडुला। तो बच्चों समझ में आया, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का मेनली कि हमने कैसे बताया है। तो ये आपका ब्रेन का मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन कट करके बताया है कि कैसे कैसे कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहां तक आपने पढ़ लिया सेरिब्रल मेडुला तक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, अब उनको डिवाइड किया गया फोर पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द फ्रंटल लोब,
सेकेंड वन इज द पैराइटल लोब, थर्ड वन इज द टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ वन इज द ओसिपिटल लोब. फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड द ओसिपिटल लोब. अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के, मतलब इनमें इनका लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, इनके मेनली फंक्शंस क्या है, उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट. तो सबसे पहले हमने बात की फ्रंटल लोब के बारे में. किसके बारे में बात की हमने? फ्रंटल लोब के बारे में. देखो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ ब्रेन. कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंट में, ब्रेन फ्रंट ऑफ द ब्रेन में क्या होता है ये प्रेजेंट होता है. कौन सा लोब? फ्रंटल लोब. सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी का सेंटर है मेनली कौन? फ्रंटल लोब. दे कंट्रोल वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ये मेनली वेरियस टाइप के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. वो मूवमेंट्स है वो वॉलेंट्री भी हो सकते हैं, वो इनवॉलेंट्री भी हो सकते हैं. अब मैंने आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बता चुका है. वॉलेंट्री में मेनली कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं? जो फंक्शन हम अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अब और मेनली वॉलेंट्री में कौन रोल प्ले करता है? स्केलेटल मसल्स. कौन रोल प्ले करती है? कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स. एंड इनवॉलेंट्री, जो फंक्शन आप अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर सकते. जैसे मैंने बताया था कार्डियक मसल्स में हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गई, आपका डाइजेशन हो गया, वो सारे किस में आ गए? आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ गए. ठीक है, तो फ्रंटल लोब मेनली दोनों टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वॉलेंट्री भी एंड इनवॉलेंट्री भी, इंक्लूडिंग फेशियल मूवमेंट मसल्स. जो फेशियल मसल्स है या फिर फेशियल मूवमेंट है, आप बोलते हो, आप खाते हो, आप चबाते हो, जो भी आप मूवमेंट करते हो फेशियल, वो भी किसके द्वारा होता है? फ्रंटल लोब के द्वारा. चीविंग, चबाते हो, स्वेलोविंग, आप कुछ भी चीज निगलते हो. ठीक है, मूवमेंट ऑफ टंग, आप बोलते हो तो आपकी मूवमेंट होता है आपका टंग का. आप कुछ भी खाते हो तो आपकी मूवमेंट, आपकी टंग की मूवमेंट होती है, तो वो भी इसी में आएगा. मूवमेंट ऑफ लिप्स, आप बोलते हो तो आपकी लिप्स की मूवमेंट होती है, तो वो सारा फंक्शन, वो सारे रोल कौन प्ले करता है? फ्रंटल लोब. कौन रोल प्ले करता है वो सारे? फ्रंटल लोब. तो आया स्टूडेंट समझ में? अब हम बात करते हैं थोड़े इसके डायग्राम. तो मैंने आपको बताया ये मेनली ब्रेन के कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंट में. कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंट में. तो देखो अगर आप ब्रेन की बात करो तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहला फ्रंटल लोब. तो ब्रेन के कहाँ पे प्रेजेंट है? मेनली फ्रंट में. कहाँ पे प्रेजेंट है मेनली? ये बेसिकली फ्रंट में. ठीक है, आया इतना समझ में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट इज द पैराइटल लोब्स. क्या है? पैराइटल लोब्स. सिचुएटेड इन द मिड अपर एरिया, मिड रीजन में और अपर एरिया में क्या रहता है? मेनली प्रेजेंट रहता है. देखो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की तो कहाँ पे प्रेजेंट है? मिड अपर एरिया में. कौन सा लोब है? पैराइटल लोब. तो इसकी लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड एट द मिड अपर एरिया, या फिर आप लिख सकते हो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द फ्रंटल लोब. बिहाइंड द फ्रंटल लोब मतलब फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे क्या है? पैराइटल लोब है. आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. हैव सेंटर्स फॉर, ये किस किस को कंट्रोल करता है? इसके पास मेनली कौन कौन से सेंटर्स होते हैं कंट्रोल करने की, उसके हम बात करते हैं. हैव सेंटर्स फॉर टेस्ट, हम कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है. क्यूटेनियस सेंसेस, क्यूटेनियस क्या होता है? अगर आप हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन पढ़ो, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज. अगर आप हिस्टोलॉजी पढ़ो स्किन की, मतलब आप इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी पूरी हिस्टोलॉजी देखो, उसके टिश्यूज की, उसके सेल्स की, तो क्यूटेनियस लेयर होती है अपर मोस्ट लेयर, एकदम एपिडर्मिस जो आपकी होती है. अपर मोस्ट लेयर कौन सी लेयर है? क्यूटेनियस लेयर है. ठीक है, तो मेनली मोस्टली जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं वो आपके क्यूटेनियस लेयर में ही लगते हैं. तो क्यूटेनियस सेंसेस में कौन कौन से सेंसेस आते हैं? सेंसेशन ऑफ पेन, आपको कोई भी पेन होता है उसका सेंसेशन आपकी क्यूटेनियस लेयर पे ही आता है. ऐसा तो है नहीं आपको ऊपर की स्किन में दर्द नहीं हो रहा अगर आपको कोई पेन हुआ, और उसके नीचे जो पाए जाने वाली स्किन है डर्मिस और उन सब में आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता. तो सेंसेशन ऑफ पेन भी होता है आपको क्यूटेनियस सेंसेस में. टच, कोई आपको टच करता है तो आपको महसूस होता है.
कोई प्रेशर लगता है तो, एंड टेम्परेचर, कोई भी आपको टेम्परेचर फील होता है, हॉट है कोल्ड है, वो सारा आपको अपर मोस्ट लेयर पे क्यूटेनियस लेयर पे पता लगता है। तो वो सारा कंट्रोल कौन करता है, उन सब का सेंटर किसके पास होता है, पैराइटल लोब्स के पास, किसके पास, पैराइटल लोब्स के पास। एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोलते हो ठीक है, उन सब के भी कुछ कंपोनेंट्स किसके पास होते हैं, पैराइटल लोब्स के पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट इज द टेम्पोरल लोब। क्या है टेम्पोरल लोब? इट इज लाइज ऑन द लेटरल साइड। आपका जो लेटरल साइड होता है जस्ट ईयर के अबव, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लोब्स। अब देखो अगर हम बात करें टेम्पोरल लोब की, अब ये जो ब्रेन है ये ऐसे बनाया हुआ है, कोई पर्सन है वो ऐसे स्टैंडिंग है, तो उसका आगे की साइड था जो फोरहेड, वो उसका क्या हुआ, फ्रंटल लोब। ये क्या हुआ, इसका पैराइटल लोब। अब टेम्पोरल लोब देखो साइड में ही तो आ रहा है ना, लेटरल साइड में ही आ रहा है, एक इस तरफ है एक जस्ट उस तरफ भी उस तरफ होगा, तो ये क्या हुआ टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब मेनली कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ है लोकेटेड, या फिर लाइज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन। आ गया समझ में, लेटरल साइड में प्रेजेंट है क्या, टेम्पोरल लोब। अब ये मेनली किस किस को कंट्रोल करता है, इसके पास मेनली किस किस के सेंटर्स होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो इट कंट्रोल्स हियरिंग, हम कुछ भी सुनते हैं उसमें मेनली किसका रोल प्ले होता है, टेम्पोरल लोब्स का। आपको पता है जस्ट अबव द ईयर ये प्रेजेंट है, तो हियरिंग को मेनली कंट्रोल कर रहे हैं। स्मेल, आपको कोई भी स्मेल आ रही है उसको कौन कंट्रोल करते हैं, टेम्पोरल लोब्स। रिकॉल ऑफ ऑडियो विजुअल इवेंट्स, आप कुछ भी देख रहे हो टीवी में फोन में या कुछ भी सुन रहे हो रेडियो पे ईयरफोन में वगैरह, ठीक है, वो सारे कौन कंट्रोल करता है, टेम्पोरल लोब्स। एंड सम कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, और कुछ कंपोनेंट्स भी स्पीच के टेम्पोरल लोब क्या करता है, मेनली कंट्रोल करता है। कुछ कंपोनेंट्स स्पीच के पैराइटल लोब करता है, कुछ कंपोनेंट्स टेम्पोरल लोब भी करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द ओसीपिटल लोब। क्या है ओसीपिटल लोब्स? लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बैक साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ओसीपिटल लोब। अगर आप बात करो स्ट्रक्चर की, तो देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक साइड में प्रेजेंट है ब्रेन के, तो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जस्ट बैक साइड, जस्ट पीछे की साइड कौन से लोब प्रेजेंट होते हैं, ओसीपिटल लोब प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं ये मेनली किस किस में हेल्प करते हैं, इनके पास मेनली किस किस का सेंटर होता है। इट हेल्प्स इन विजन, कुछ भी देख रहे हैं अपने विजन में मेनली कौन से लोब्स हेल्प करते हैं, ओसीपिटल लोब्स। कौन से लोब्स हेल्प करते हैं, ओसीपिटल लोब्स। उसके बाद हम बात करें एरिया प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टेम्पोरल पैराइटल एंड ओसीपिटल लोब इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। जो एरिया प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब पैराइटल लोब एंड ओसीपिटल लोब, ठीक है, उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और स्पीच एंड इंटेलिजेंस। हमने उसको क्या टर्म दी, जो जंक्शन है, जो एरिया प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ द टेम्पोरल पैराइटल एंड ओसीपिटल लोब्स इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का भी सेंटर है वो, और स्पीच का भी सेंटर है, एंड इंटेलिजेंसी का भी क्या है, सेंटर है। और उस सेंटर को, उस एरिया को हम क्या टर्म देते हैं, वर्निकेस एरिया। तो ये टर्म याद रखना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, वर्निकेस एरिया। ओके, ये कौन सा सेंटर है या फिर कौन सा एरिया है, वो जंक्शन टेम्पोरल पैराइटल एंड ओसीपिटल लोब्स का जहाँ पे सेंटर ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और स्पीच एंड इंटेलिजेंसी का एरिया पाया जाता है, वर्निकेस एरिया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा फोर ब्रेन के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब एंड डायन्सिफेलोब। तो हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज द ओल्फैक्टरी लोब। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओल्फैक्टरी लोब की। तो दीज आर प्रोमिनेंट लोब्स एंड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अब मैंने आपको बताया था जो नोज होता है, मतलब जो सेंस ऑर्गन होता है नोज, उसमें कौन से रिसेप्टर्स थे, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स।
तो आप उनके बेसिस पे याद कर सकते हो कि ओल्फैक्टरी लोब्स है वो मेनली किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ स्मेल, कि स्मेल है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, गंदी स्मेल है, जैसी भी है, ठीक है। तो वो किसके बेसिस पे कर सकते हो, आप ओल्फैक्टरी लोब के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज द डायनसेफेलोन। क्या है? डायनसेफेलोन, डायनसेफेलोन। अब ये कहाँ पे होता है? लाइज ऑन द इंफीरियर साइड ऑफ द सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के इंफीरियर साइड, सुपीरियर होता है अपर मोस्ट पार्ट, इंफीरियर होता है लोअर पार्ट। तो लाइज ऑन द इंफीरियर साइड ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होगा, इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा। कौन सा पार्ट? डायनसेफेलोन। इट हैज थ्री पार्ट्स। इसके मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एपिथैलेमस, सेकंड इज द थैलेमस, एंड थर्ड इज द हाइपोथैलेमस। अब हम एक एक करके एक एक पार्ट के किसके बारे में पढ़ेंगे? फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज द एपिथैलेमस। क्या है? एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो एपिथैलेमस सीक्रेट्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड, जिसको हम CSF भी बोलते हैं, CSF भी बोलते हैं। तो ये मेनली क्या करता है? एपिथैलेमस सीक्रेट्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड वो फ्लूड होता है जो मेनली ब्रेन के आउटर साइड रीजन में प्रेजेंट होता है और ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का मेन काम क्या होता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ये किसका काम था? एपिथैलेमस का। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज थैलेमस। क्या है? थैलेमस। अगर हम थैलेमस के फंक्शन के बारे में बात करें तो ये किसमें रोल प्ले करता है? सेंसरी अवेयरनेस ऑफ पेन। हमें कोई भी पेन हो तो वो सेंसेस के थ्रू हमें क्या कराता है? अवेयर कराता है। कौन सा पार्ट? थैलेमस पार्ट। अब बहुत से ऐसे पार्ट्स होंगे जिनके कुछ कुछ फंक्शन सिमिलर है, तो इसका मतलब है वो सारे आपस में कनेक्ट होके एक साथ वर्क करके, एक साथ कोऑर्डिनेट करके वो उस फंक्शन को कराते हैं, ठीक है। तो थैलेमस क्या करा रहा है? सेंसरी अवेयरनेस ऑफ पेन, पेन के अकॉर्डिंग क्या करा रहा है? अपने सेंसेस ऑर्गन को अवेयर करा रहा है। टच, कोई किसी ने हमें टच किया उसके अकॉर्डिंग भी हमारे अंदर सेंसरी अवेयरनेस करा रहा है। टेम्परेचर, आपको कोई भी टेम्परेचर फील हुआ, कोल्ड है, हॉट है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया? सेंसरी अवेयरनेस, सेंसरी अवेयर हुए आप सेंसेस के थ्रू। एंड प्रेशर, प्रेशर के थ्रू भी। इट्स प्रोवाइडेड बाय थैलेमस। तो मेनली क्या करता है थैलेमस? सेंसरी अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है पेन के लिए, टच के लिए, टेम्परेचर के लिए एंड प्रेशर के लिए। आया स्टूडेंट समझ में? अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। किसकी बात करते हैं हम? थर्ड पार्ट इज दी हाइपोथैलेमस, जो अपनी बॉडी का सबसे ज्यादा मेन, मतलब वो ऑर्गन होता है जो अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और बहुत सारी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। आप जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो फर्स्ट था नर्वस सिस्टम, सेकंड क्या आएगा? एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हॉर्मोनल सिस्टम। हाइपोथैलेमस के बारे में आप वहां पे भी बात करोगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस मेनली कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दी थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस। इट एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन दी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड दी एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस मेनली क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बीच में एंड दी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड दी एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, ANS के बीच में एंड दी एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक को एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। कौन मेनली? हाइपोथैलेमस। आया स्टूडेंट्स समझ में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दी इट, इसके फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कौन से फंक्शंस मेनली रोल प्ले करता है, कौन कौन से इसके मेजर फंक्शंस हैं। तो इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। किसको कंट्रोल करता है? मेनली बॉडी के टेम्परेचर को। कंट्रोल्स थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब है प्यास लगना।
एंड यूरिन आउटपुट, किसको कंट्रोल करता है? थर्स्ट को एंड यूरिन आउटपुट को। इट कंट्रोल्स फूड इनटेक, फूड इनटेक को मतलब हंगर को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन, एंटीरियर, अब आप बात करोगे एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को, के सीक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के सीक्रेशन को क्या करता है, मेनली कंट्रोल करता है, कौन? हाइपोथैलेमस। प्लेज अ रोल इन इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, कोई भी इमोशनल है, मतलब मान लो आप इमोशनल का मतलब है आपको खुशी हो गई या फिर आप कोई बात सुन के इमोशनल हो गए, आप रोने लग गए। बिहेवियर, आपका बिहेवियरल मतलब स्टेटस कैसा है, वो बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, उसको भी मेनली कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद कंट्रोल्स स्लीपिंग पैटर्न्स एंड वेकफुलनेस। स्लीपिंग पैटर्न्स, आप कैसे सो रहे हो, कितना टाइम सो रहे हो, आपकी स्लीपिंग को एंड वेकफुलनेस, आप जैसे जग रहे हो, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और भी अपनी बॉडी के अदर फंक्शंस है जिनको कौन कंट्रोल करता है? मेनली हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे अपना खत्म हुआ फोरब्रेन। क्या खत्म हुआ बच्चों? फोरब्रेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और लार्जेस्ट पार्ट क्या था, आपने बात की थी? सेरिब्रम। फोर ब्रेन के अंडर जो कैटेगरी थी उसमें सबसे ज्यादा, अगर पूछ ले आपको विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और नीचे अगर ऑप्शन आए तो उसमें क्या आंसर आएगा? सेरिब्रम। क्या आएगा? सेरिब्रम। और मिड ब्रेन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कवर्ड बाय द सेरिब्रम। किससे कवर्ड होता है? मेनली सेरिब्रम से, विच इज कवर्ड बाय द सेरिब्रम। अब हम बात करें, इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 सेंटीमीटर जितना ही क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। ये मेनली क्या करता है? इट कनेक्ट्स द फोरब्रेन विद हिंड ब्रेन। फोरब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन का मेन फंक्शन क्या हुआ? इट कनेक्ट्स द फोरब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। इट हैविंग 2 थिक फाइबर्स ट्रैक्ट्स, इसके अंदर 2 थिक फाइबर्स ट्रैक्ट्स होते हैं एंड 4 स्वेलिंग्स, और 4 स्वेलिंग्स होती है। स्वेलिंग का मतलब है फूल जाना, स्वेलिंग हो जाना, मतलब आप समझते हो ना, जैसे काफी लोग बोलते हैं सूज गया या फिर स्वेलिंग हो गई मेरे, तो वो होता है, क्या होता है? स्वेलिंग्स। तो मिड ब्रेन के अंदर 2 तो क्या होते हैं? थिक फाइबर्स ट्रैक्ट होते हैं एंड 4 क्या होती है? स्वेलिंग्स होती है। अब हम उनको क्या क्या टर्म देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फाइबरस ट्रैक्ट्स को हम क्या टर्म देते हैं? फाइबरस ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड सेरिब्रल पेडेंकल्स, जो हमने बात की थी, और क्रूरा सेरिब्राई। हम सेरिब्रल पेडेंकल्स को एक और टर्म दे सकते हैं, दैट इज क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई, ठीक है। तो हमने मिड ब्रेन को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो सेरिब्रल पेडेंकल, एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या थे। तो मिड ब्रेन के अंदर ही 2 थिक फाइबर्स ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हमने क्या टर्म दी? सेरिब्रल पेडेंकल और क्रूरा सेरिब्राई, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रूरा सेरिब्राई। और जो 4 जो स्वेलिंग प्रेजेंट थी मिड ब्रेन में, उनको हमने क्या टर्म दी? 4 स्वेलिंग्स आर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्वाड्री का मीन्स होता है 4, जैसे आप बात कर हो ना, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ऐसे क्या होता है? क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? 4। तो आपने 4 स्वेलिंग्स को क्या टर्म दे दी? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना और कोलिकुलाई। आप कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को आप कोलिकुलाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोलिकुलाई भी बोल सकते हो। दे आर कनेक्टेड विद रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। ये मेनली कनेक्टेड होते हैं विद रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने आपको बताया था, ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या क्या? जैसे लाइट हो गई, साइट हो गई, आप देख रहे हो, एंड साउंड हो गई।
उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेनली ये मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट शो करते हैं, किनके अकॉर्डिंग, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। अब चार क्वाड्रीजेमिना है, मतलब फोर टाइप के कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है, और उनको आपने क्या बोला है, कोलिकुलाई। अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो दो तो सुपीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना होंगे और दो इन्फीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना होंगे। अब वो मेनली किस किस को कंट्रोल करते हैं, किसके सेंटर्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है टू सुपीरियर कोलिकुलाई और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना हैव सेंटर्स फॉर। जो दो सुपीरियर कोलिकुलाई होते हैं, मतलब ऊपर की साइड जो है, और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना हैव सेंटर्स फॉर, किस किस के सेंटर है, किस किस को मेनली कंट्रोल करते हैं, साइट रिफ्लेक्सिस को, किसको, साइट देखने को, मतलब देखने के जो रिफ्लेक्सिस मूवमेंट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं, टू सुपीरियर कोलिकुलाई। एंड नेक्स्ट इज द टू इन्फीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना या फिर और कोलिकुलाई, टू इन्फीरियर कोलिकुलाई और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना हैव सेंटर्स ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सिस। आप क्या सुन रहे हो, उसके क्या रिफ्लेक्सिस मूवमेंट है, उनको मेनली कौन कंट्रोल करता है, किसका सेंटर है वो, टू इन्फीरियर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना का। तो आया बच्चों आज आपको इतना समझ में जितना आपको बताया है। आज आपको हमने बात की है फोर ब्रेन की एंड मिड ब्रेन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ा पार्ट ये है ब्रेन का, क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये है। और ये कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम, कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम मैंने आपको क्या बताया था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट देखो आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, इतना स्पेस सारा किसने ले रखा है, सेरिब्रम ने, किसने रखा है, सेरिब्रम में। तो ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद हमने बात की है हाइपोथैलेमस की। तो देखो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट अबव। इसीलिए जो हाइपोथैलेमस है वो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के, और बेसिकली किसके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को, उसके सीक्रीशन को, मतलब उससे हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उनके फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करें उसके बाद, तो उसके बाद हमने एक बात की थी कॉर्पस कोलाजम, किसके बारे में बात की थी हमने, कॉर्पस कोलाजम के बारे में। कॉर्पस कोलाजम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉर्पस कोलाजम मेनली क्या होता है, तो एक फाइबर्स का मास होता है, मास ऑफ फाइबर्स होता है, जो कि मेनली दोनों हेमिस्फीयर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, क्या करता है, दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। कॉर्पस कोलाजम मेनली क्या करता है, टू हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, आया इतना समझ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं थैलेमस की, ठीक है। तो थैलेमस का जो मेन काम था, जो मैंने आपको बताया था एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस का मेन काम क्या था, सेंसरी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, क्या कराना, सेंसरी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, किसी भी मतलब यदि पेन हो गया, टच हो गया, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या कराना, सेंसरी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना। एंड दैट वन इज द मिड ब्रेन, क्या है ये, मिड ब्रेन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो मेनली क्या करता है, फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को करेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे हिंड ब्रेन, तो उसके थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द सेरिबिलम, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो हिंड ब्रेन के रीजन पे ही है ये। फर्स्ट वन इज द सेरिबिलम, एंड सेकंड वन इज द पोन्स वेरोलाई, एंड थर्ड वन इज द मेडुला ओब्लोंगाटा। अब हम बात करेंगे सेरिबिलम, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओब्लोंगाटा के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट वीडियो में, कि ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करो, तो मैंने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले क्या है, फ्रंटल लोब मेनली फ्रंट में प्रेजेंट है, उसके एकदम बैक साइड क्या प्रेजेंट है, पैराइटल लोब, और उसके एकदम बैक साइड क्या प्रेजेंट है, ओसीपिटल लोब। कौन सा लोब प्रेजेंट है, ओसीपिटल लोब। टेम्पोरल लोब नीचे की साइड प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इस तरफ क्या होगा, राइट हेमिस्फीयर।
तो लेफ्ट हेमिस्फीयर तो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बात की ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और जिसमें हमने बात की पहले फोर ब्रेन के बारे में, फिर हमने बात की मिड ब्रेन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हिंड ब्रेन, और उसके आगे का जो पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, वो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों।